वेलकम शाहीना का किचन में वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं दो तरीके की चाय बनाने जा रही हूँ। सादी चाय है, गर्मियों में पीने वाली चाय है। यह हमने दो कप पानी इस पानी से कप से नाप करके हमने लिया है। दोनों सादी चाय ही बनेगी, लेकिन दोनों दो तरीके से बनेगी। इसमें मैंने अभी काली मिर्च दिया थोड़ा सा, तोड़ करके नहीं देंगे, जिस तोड़ के नहीं दीजिएगा तो फ्लेवर नहीं आएगा, उसमें महक नहीं आएगी। और ये दो हरी इलायची दी, ये ठंडे ही पानी में डाल रहे हैं। हर तरीके की चाय बनाई जाती है। अब चाय थोड़ी सी कड़ी बनाएंगे, इसलिए कड़ी बनाएंगे क्योंकि इसमें आइस डालेंगे। आइस डालेंगे तो ये कलर खुद ब खुद कम हो जाएगा ठंडा होकर के, इसलिए इसमें पत्ती ज़्यादा देंगे। ये नॉर्मल पत्ती है जो घर में होती है। अब मैंने इसमें दो चम्मच चीनी दिया, आप जितना पीती हैं उसी हिसाब से दीजिएगा। चाल होने देंगे। एक चम्मच हमने सौंफ दिया, इसको पूरा अच्छे से बॉयल होगा, खूब अच्छा कलर भी आएगा, पूरा तेज कलर आएगा, तभी इसमें आइस वगैरह से पड़ने के बाद ये कलर सही होगा और बहुत ही टेस्ट होगा। देखिए इसमें हमने अदरक नहीं दिया है, दूसरे तरीके से चाय बना रहे हैं। मैं बोलती ही हूँ कि हर खाना हर तरीके से बनाई जाती है। देखने से लगता है कि एक तरीका है, लेकिन एक तरीका नहीं होती है। इस तरीके से भी, इस ट्रिक से भी चाय बना कर देखें। गर्मियों का मौसम है, गर्मियों में सादी चाय ही पीनी चाहिए, और वो भी कोल्ड टी पीनी चाहिए क्योंकि उससे ठंडक बहुत मिलती है। और दूध वाली चाय पीने से वो भी सही है, लेकिन हर तरीके की चाय पी जाती है। अभी ये बॉयल नहीं हुआ है, बॉयल होगा पूरा अच्छे से कलर आएगा इसमें, तब इसको छान करके फिर से इसको ठंडा करने के लिए इसको छोड़ देंगे। फिर दूसरी चाय चढ़ाएंगे, वो दूसरी चाय दूसरे कलर के तरीके से बनेगी। ये देखिए यह कलर अभी आ रहा है, अभी अच्छे से नहीं बॉयल हुआ क्योंकि सारी पत्तियां अभी ऊपर हैं। यह बॉयल होकर के सारी पत्ती नीचे हो जाएगी। खूब अच्छी खुशबू हो गई है चाय की। इसका आँच को थोड़ा सा कम किए हैं, फिर थोड़ा सा तेज़ करेंगे क्योंकि इस पत्ती जब तक नीचे नहीं होगी जब तक इसको हमें बॉयल करना है। चीनी दिए हैं, चीनी से भी थोड़ा सा पानी छोड़ता है, इसको पूरा अच्छे से बॉयल करना है। देखिएगा इसका कलर कितना खूबसूरत आएगा इस चाय की, एकदम अलग कलर होगा। पीने में भी बहुत अच्छी लगती है चाय, सादी चाय। अभी पत्ती तो अब नीचे हो गई है, अभी सौंफ नीचे नहीं हुई है, इलायची नीचे नहीं हुई, थोड़ा सा और इसको बॉयल करेंगे, इसके बाद इसको नीचे करेंगे। दो पॉट तैयार किया है, दो तरीके की चाय बनाएंगे, इसलिए दो पॉट हमने डाला है, बनाया है, लिया है, अलग अलग छानेंगे चाय को। देखिए यहाँ सारी पत्ती नीचे हो रही है, सौंफ भी नीचे हो रहा है, अभी इलायची नहीं नीचे हुई है, यही सब पहचान होती है कच्चे की, और यही सब लोगों नहीं समझते हैं। धाएँ से चढ़ाएँ, जल्दी से बनाएं, जल्दी से उतार दें, जिसके वजह से फ़र्क हो जाती है हर चीज़ में, मज़े में भी फ़र्क, हर चीज़ में फ़र्क। देखिए अभी भी चाय जो है वो अभी नीचे नहीं हुई है, थोड़ी सी चाय नीचे हुई, कलर भी आ चुका है, अभी और स्ट्रॉन्ग कलर आएगा। बहुत ही तेज़ कलर लेना है क्योंकि इसमें हम आइस डालेंगे, आइस डालने की वजह से ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। इस कलर में बनाना है। ये पूरे अच्छे से ये बॉयल हो गया, अब मैं इसको छानने जा रही हूँ, छान के फिर दूसरी चाय चढ़ाएंगे। ये देखिए पूरी चाय मेरी नीचे चली गई है, सौंफ अभी तक नीचे नहीं आया है। अब मैं इसको छानने तैयार जा रही हूँ क्योंकि इसमें कलर आ चुका है, जितना कलर हमें चाहिए था इतना कलर सही है। आइस पड़ेगा तो ये थोड़ा सा लाइट कलर में आएगा और ये ठंडा होगा। अब मैं इसको छानने जा रही हूँ। ये हमने छान दिया, छान कर इसको रख देंगे, ये ठंडा जब तक होगा जब तक मैं दूसरी चाय चढ़ाती हूँ इसको। ये दूसरी चाय मैं चढ़ाने जा रही हूँ, इसकी चाय ये दूसरे तरीके से बनेगी। ये हमने एक एक कप गिलास लिया और ये आधा गिलास, क्योंकि अभी इसको सूखना है, इसमें आइस वगैरह डालेंगे, यह कप नहीं है। और देखिए इस तरीके से अगर छन्नी होती है चाय की तो ये ठीक होती है,
नोक से सीधा है गिरता है, और गोल जो होती है कि जो छन्नी होती है ये चाय नीचे गिर जाता है ज़मीन में। और देखिए, और ऐसी जो होती है ये चाय नीचे नहीं गिरेगी, कभी नहीं गिरेगी, पूरा सीधा कोना में जाएगा, सीधा सीधी चाय जाएगा, और इसमें जाना ही नीचे से बाहर से, इसलिए हमेशा चल। अब मैं इसको रख रही हूँ इधर अलग, इसको ठंडा होने के लिए, फिर इसमें आइस डालेंगे। एक दो चम्मच, सॉरी हम ज़्यादा देने जा रहे थे क्योंकि मैं ज़्यादा मीठा पीती हूँ। पहले इसमें चीनी हमने दिया है, अब इसमें एक दो तीन चार चम्मच, इसमें हमने दो कप चाय है इसलिए चार चम्मच इसमें पड़ेगा ही चाय पत्ती। दो लौंग दिया, तरीका देखेंगे दूसरे तरीके से सब बनती है चाय। आज इसमें चार दाना काली मिर्च दी, बस और कुछ नहीं पड़ेगा। अब इसमें इसको पूरे अच्छे से बॉयल होगा, जैसे वो चाय बॉयल हुई थी वैसे ये भी पूरी बॉयल होगी। 10 मिनट तक पूरा इसका फेन उन सब ख़त्म होगा, कलर पूरा जूसी आएगा, क्योंकि आइस डालने के बाद ये फिर ठंडा होगा तब इसमें आइस डालेंगे। अभी देखिए पूरा फेन है, फेन को ख़त्म होना है। और इसमें थोड़ी सी तुलसी दी, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी तुलसी पड़ेगी, बस दो पत्ते, दो पत्ता ही खाली हमने दिया है। ये गर्मियों में पीने वाली, लोगों को ठंडक देने वाली ये चाय है, इसको पीने से ठंडक बदन में आती है, गर्मी नहीं फेंकेगा, इसलिए ये गर्मी में ही पी जाती है। सादी चाय क्वालिटी बिल्कुल ही क्वालिटी होती है, देखेंगी बहुत ही अच्छे से मैं बना रही हूँ, बहुत दिल बहुत लगन से मैं सोच सोच करके एक एक रेसिपी लाती हूँ और बनाती हूँ। अभी पूरा फेन है, एक ज़रा ज़रा फेन करके ख़त्म हो जाएगा और ये सारी पत्तियाँ जो हैं नीचे हो जाएंगी, तब मैं इसको गैस को बंद करके इसको फिर से छानेंगे। इसको जा रहे हैं फ्रिज में रखने, क्योंकि अभी तक ये ठंडा नहीं हुआ है, फ्रिज में भी रखी जा सकती है या पानी के अंदर डाल कर रख दीजिए, तो वो इसको ठंडा करना है, ठंडी चाय इसे ठंडी करेंगे, चाहे जैसे करे ठंडा, इसको पानी में रख के हवा में रख के जैसे भी करना है इसको ठंडा करना है। ये हो चुका, कलर भी खूब अच्छा से आ चुका है। अब मैं इसको गैस को ऑफ कर रही हूँ, अब ये चाय को छानना है। इसमें चाय को अलग अलग छानना पड़ेगा क्योंकि दोनों चाय की रेसिपी अलग है, दो तरीके की चाय हमने बनाया है। अब इसको भी हमें ठंडा करने के लिए इसको रखना है, इसको ऐसे करके ठंडा कर रहे हैं चाय को। अब ये 10 मिनट में ठंडा हो जाता है, तब इसके आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। हाला जो पहले जो बनाए थे ये पहली वाली चाय डालें, और ये अब दूसरी चाय। बिल्कुल ही ठंडी हो चुकी है, लाइट यहाँ है ही नहीं, आज 3-4 दिन से लाइट नहीं है, इसलिए आइस भी कम है। ये हमने आइस दिया, बहुत अच्छी कलर आई है चाय की, खैर शाम तक फिर हो जाएगा, अभी तो कोई पी ही नहीं रहा है। ये हमने दो तरीके की चाय बनाई, एक नींबू वाला सब, वो सब दूसरे तरीके से होती है, वो चाय दूसरे तरीके की बनती है। ये तुलसी ही वाली कही है, क्योंकि इसमें हमने तुलसी दिया था इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा तुलसी दे रही हूँ। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, ये बेइंतहा गर्मी है कि दिल किया कि आज मैं कोल्ड टी बनाऊं, इसलिए हमने कोल्ड टी बनाने का प्रोग्राम बनाया और हमने बनाया, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि बर्फ़ ही हमारे यहाँ कम हो गया, इसलिए इसमें थोड़ा सा और बर्फ़ पड़ता
तो और अच्छा होता, पूरा भर करके गिलास होना चाहिए, आइस पूरे तरीके से होनी चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। फिर से इसलिए बोल दे रहे हैं, डालिएगा फिर से ज़्यादा बर्फ़, शाम तक फिर हो ही जाएगी, अभी तक लाइट नहीं आई है। पोजीशन में लाइट की यहाँ बहुत कटती है, इसलिए लाइट का प्रॉब्लम यहाँ बहुत ज़्यादा रहता है, बारिश बहुत होती है, बारिश की वजह से लाइट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ही जाती है, अंदर पानी बहुत आता है, कलर भी बहुत अच्छा बेस्ट कलर आया है, इसमें कोई शक नहीं है, इसकी ऐसे ही कलर होनी चाहिए। दिल चाहता है तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू दे सकती हैं इस चाय में, लेकिन ये नींबू वाली नहीं है, इसलिए नींबू हमने नहीं दिया है, नींबू रखे थे लेकिन नींबू नहीं दिए हैं। और दूसरे तरीके से चाय बनेगी वो हम मैं दिखाऊंगी कल, मैं फिर अगले बार इंशाल्लाह। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। नहीं था इसलिए हमने आइस कम दिया था, लाइट ही नहीं थी, उसी टाइम लाइट आई थी। अब आइस दे रहे हैं, आइस जितना दे सकिए उतना अच्छा है, आइस वाले में अभी भी कम ही है बर्फ। अब हमारा आइस खूब अच्छे से खूब दिलदार कब हो गया, लाइट रहता है तो आइस भी बहुत अच्छे से हो जाता है। आज सादी चाय में जितना आइस उतना अच्छा। अब इसमें से नींबू देंगे, रुको, ये देखिए बेस्ट कलर आ गया, बहुत अच्छा। अब इसमें थोड़ा सा तुलसी, थोड़ा सा पुदीना, ये दो तुलसी की चाय थी और दो बिल्कुल ऐसी। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।